सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव में आशा बहू की नियुक्ति की है ताकि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जनपद के बरसठी ब्लॉक के हरिपुर गांव में पिछले 10 सालों से आशा बहू की नियुक्ति न होने के कारण रेखा देवी सहित 1400 लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके गाँव की क्या समस्या है? हमारे गाँव में समस्या तो बहुत बा, मगर आशा का ज़्यादा कही के बाहर अरे आशा होती तो डिलीवरी भेले जाती और हो डिलीवरी वाले के बताती हाँ का खाना बा का पीना बा आरन गोली देती उन्हें सब लेटे के बताती उन्हें कैसे घड़ू सामान उठाए बदे मना करती। आपके पता बा कि आशा का काम हो? हाँ आशा काम हो आशा का कि हमारे गांव में आवें किशोरियों को भी बतावें किशोरी के बैठक करावें किशोरी के आरन गोली दें सेतु भी मिला था दें उन्हें से पैड भी मिला था दें। आशा नहीं होती तो डिलीवरी कैसे होता कहाँ होता? उन्हें प्राइवेट नर्स बुलावा जाता है। कितना खर्चा आवा था? अरे लड़की हो जाए तो 1000 तक खर्चा आ जाए और नहीं तो दवाई वही अगर काफ़ी दे नहीं तो और खर्चा आए लड़का हो तो और खर्चा ले हैं चीन बक्सी से ले हैं। आपके गांव में आशा का नियुक्ति बा? नहीं 10 साल से। कितना बच्चा है आपके? 4 लड़की। आप अपने लड़की के टीका लगवाए हैं? 2 नहीं लगवाए हैं, वो एक जनिक मस्ती जोर हो गया, मस्ती जोर में बहुत जैसे दवाई ववाई की है जब डॉक्टर ले गए तो डॉक्टर बोले टीका नहीं लगवाए नाते ऐसा भाई। अगर आपके गाँव में आशा होती तो क्या फ़ायदा होता? आशा रहती तो टीका के बारे में बताती गर्भवती मेहरान की सब बताती टीका लगवाए के बारे में बताती ये सब बताती ना सफाई के बारे में ये सब बताती रहती तो लड़की के साफ सफाई के बारे में। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गांव में जल्द से जल्द आशा बहू की नियुक्ति हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि जौनपुर जनपद के CMO जिनका फ़ोन नंबर 0 54 260 920 है इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या जौनपुर उत्तर प्रदेश से IndiaUnheard के लिए।